आज बड़ी चौथ का दिन दर्शन कराया हम अंकल राजा का आखा सावन। चलो आज इनका बेटा जी दर्शन पाए, चिंतामन दातार का दर्शन से सबकी चिंता मिटी जाए। समीचार विचार का खेल तो रोज का है, यो मामलो साल में एक दिन को जाए। बेड़ा चिंतामन बाबा का दर्शन पाओ, एक का बाद मारा समीचार भी सुनता जाओ। ये पार्थिव गणेश स्थापना की चतुर्थी कही जाती है और आज मंगलवार के दिन अंगारिका चतुर्थी है। इसका एक विशेष महत्व होता है कि कार्य सिद्धि के लिए भगवान को मनावें, और चतुर्थी में 10 दिवसीय उत्सव रहता है। हर दिन का भगवान का श्रृंगार, चोला, पंचामृत पूजन और मोदक के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रत्येक श्रद्धालुओं को प्रसाद मिले, ऐसी व्यवस्था श्रद्धालुओं की ओर से यहाँ पर की गई है। सुबह मंदिर के पट खुलने पर भगवान का पंचामृत पूजन किया गया, घी सिंदूर और वर्क से भगवान का श्रृंगार किया, और आरती के बाद में प्रसाद वितरण हो रहा है और विशेष श्रृंगार का जो चलता है वो कार्य भी चल रहा है। काले अपन ने मालवा न्यूज का बुलेटिन में तुम्हारे नहीं बताया था कि सिंगत क्षेत्र वाली जमीन पे अतिक्रमण को कभी कोई सबसे बड़ा रखवाला हो तो वी है उत्तर का पुत्र माने विधायक पारस जैन जी। आवाज तुम्हारे इनकी बरसाई एक और कृपा बारम बताऊं, भूली गया कि याद है थोड़ा दंड पेड़ा की बात है। सिंगत क्षेत्र वाली सगड़ी अवैध कॉलोनी उनमें रहवा वाला उनके जिला वाला प्रशासन ने नोटिस दिया था। नरा की नींद हराम हुई की थी। अवैध कॉलोनी उनमें सस्ता प्लाट खरीद के गरीबा गरीबी अपना सपना घर बना वाला सगला लोग उनका मुंडा लटकी गया था। नोटिस वाली तरवाल इन पर हाल तक लटकी है। कणिप दान कोई भी अधिकारी बदली के आएगा इन पाछी पुरानी फाइला खुलवाएगा। अवैध कॉलोनी उनमें प्लाट बेचा वाला ने पैसा बना वाला तो बने के निकली गया। इन कॉलोनी उनमें अवैध निर्माण अनिश विधायक जी की मेहरबानी से हुआ। पिपली नाका आड़ी वाला क्षेत्र में सिंगत की जमीन पर बनी थकी अवैध कॉलोनी उनमें इनने कजा कितनी जगह सड़क ने नाली खरंजा काम कराया। मने अवैध प्लाट बेचवा वाला उनका साथ सीधा सीधा सेटिंग, लोग परेशान भले ही होता रहे। अवैध कॉलोनी उनमें लगिया परस पहलवान वाला ही बोरड उन बताई रहा के प्लाट बेचवा वाला उन पे कड़ी तरीका से ही मेहरबान हुआ है। गई रात जयसिंहपुरा में दो पक्ष उनका बीच में जम के चलेगी। कोरट में गवाह विवाही देवा कोई रट्टो थो। जयसिंहपुरा को जी एक भाई को अजय परमानंद यो अस्पताल का माय भर्ती है। यो बताई रहे होगा कांग्रेस वाला नेताजी बबलू खींचे मेहरबानी से यो अस्पताल तक पहुंचो। खींची जी नेता ठेरिया करीब सके, आज तो पुलिस इन मामला की जाँच करी रही है। पास पे जो व्यक्ति का बबलू खींची उसका विवाद हुआ था मेरे दोस्त से, और मैं वहीं पे सामने खड़ा था, तो वो उस विवाद में इनकी गाली गलौज हुई और मारपीट भी हुई थी। उस दौरान वो बबलू खींची मुझे बोलता है कि मैंने यार जो तेरा दोस्त है तो उसके खिलाफ़ गवाह दे दे, मेरा सपोर्टर बन जा। तो मैंने उसके लिए मना करा, तो कल रात को मेरे पास आया वो और 4-5-6 बंदों को लेके आया और मेरे को उसने पिटवाया। मंचावन वाली सड़क पे गई रात एक छुरक सड़क हादसा मौत होगी। नाना खेड़ा कने का संजय नगर में रहने वाला 30 साल को दिनेश डाबी रात अपना घर जा रहे थे। मंचावन वाली सड़क कने कजा कुंड सो गाड़ी वाला भी के ठोकी गयो। दिनेश के अरे मेरे का लोग उन बड़ा अस्पताल लेके गया। यहाँ पहुंचा डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। यह घटना रात कोई 9:30 बजे की होगा। एक्सीडेंट करवा वाली गाड़ी कौन सी थी हाल तक साफ नहीं हुई सक्यो। नीलगंगा वाली पुलिस इन मामले की जाँच कर रही है। जी सर, हमें तो घर पे ही थे, हम लोग को घर चली थी, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या जो भी है, तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ से नाम बुला गया। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट, कहाँ के हुआ? ये संजय नगर नाना खेड़ा के रहने वाले हैं और अभी पटक ब्रिज के थोड़ा आगे गोघाट कॉलोनी में वहाँ पर कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है तो पूरा नहीं मालूम है। मंगलवार अवेरवार को एक्सीडेंट दिखाऊं, ए ब्लॉक अपूत को सीन इना बस वाला देखी लो। बाइक कजा कई डीजल बचानो थो का सेठ ने जल्दी फेरा लगावा को कई रखियो थो। शॉर्टकट का चक्कर में फ्रीगंज पुल ऊपर से उंदा तरफ से उतरी रियो थो। एक गाड़ी वालो एक लपेटा में आवाज बची गयो। फिर कही तो लोगान बस रोकिन ड्राइवर की क्लास ले ली। एक कनी टेम से पेड़ा पैदा हुआ सात मसिया हरी की हरकत, दूजा जान की कई परवाह नहीं।
वरसाद आई के निकली थी पर नुकसान गंज करेगी। पहला ज्यादा पानी पड़ो तो ज्यादा किसान उनको नुकसान भी हो, अबे पानी पड़ो जद भी किसान दुखी। यूं हवा वही बात करूंगा तुम किसान के हुए नुकसान को आकलन नहीं कर पाओगा। चलो गामड़ा उनका ताजा वीडियो दिखाऊं, इनके देखी के हमजी मैं आएगा के दिवाली से पहला किसान को कड़ी तरीका दिवालो निकलियो। सरकार के भी यह बात हमें तो आएगी पर इसमें थोड़ी देर लगेगी। केमासा वाला मंगल सिंह जी का जरिए यो एक वीडियो हमारे मिलियो, फसल की हालत देखी के अंदाज लगाई लो। एक में कई तो फली आएगा, कितनी सोयाबीन बिठाएगा। बड़नगर कणे का जापला से भी काना चौधरी का ने अपना खेत का एक वीडियो हमारे भेजिया। चामला ने ऐसो पानी फेरियो कि किसान उन अपना खेत में बोई थकी सोयाबीन ढूंढता फरी रहा। गंभीर नदी किनारा का अमीर खेड़ी गांव को भी एक वीडियो देख लो, कीचड़ में सोयाबीन है कि सोयाबीन में कीचड़ कहीं भी क्लियर निगे नहीं आई रही। बड़नगर तहसील वाला दंगवाड़ा गांव से भी भाई राहुल चौधरी योगेश बेरागी ने हमारे बाढ़ का बात का वीडियो उन भेजिया। चंबल का सैलाब में यहाँ दंगवाड़ा का कोई 100 घर उन डूबी गया। बाढ़ को पानी उतरियो तो इनमें से आधा कच्चा टापरा गिरिया हुआ मिलिया। ढोर डंकार तक का लिए खावा पीवा कहीं नहीं बचो। बाढ़ उतरी तो नेताजी उनका दौरा भी शुरू हो गया। इनका कने मिले जुले कहीं नहीं, खाली आश्वासन। अबे इनके देख लो गट्टे वाला विधायक रामलाल मालवी जी, ये मारा बड़ा भाई राजोटा गांव में गया। यहाँ गांव वाला उनने बताया भाई साहब गांव में 3-4 दिन से लेन नहीं आ रही है, बोरिंग उन चले तो पानी जुगाड़ हो। गांव वाला उन टैंकर मांगी रहा। विधायक जी इनके भी आश्वासन की गुट्टी पिलाई गया। अबे प्यास हमारा आश्वासन को इंतजार थोड़ी करेगा। इन घरों में जो पानी घुसा था जी, हम लोग रात को हमारे सब साथी लोग आए, हम लोग हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सब लोग आगे, हम लोगों ने चर्चा की सबसे भाई सुरक्षित स्थान पे पहुँचे। हमारे पहले चंद्र सिंह जी पटेल साहब और यहाँ के जितने वरिष्ठ सरपंच साहब ने सब लोगों ने मिलकर सबको सुरक्षित स्थान पर जहाँ जो डूब में आया मकान पानी उसमें निकालना। इन लोगों ने काफ़ी नुकसान हुआ है, इनके घर में जो अनाज भरा था जो अपना सब कुछ खराब हो गया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। पानी पियाना कौन है, गाँव में लाइट भी कौन है, बहुत अंधेरो छाई रो, जानवर भी खूब आई रहा है रात नी पड़ान हमारी समस्या हरी है। तो आज कोई अधिकारी आया था आपके यहाँ? कोई अधिकारी नहीं आया, अभी आया मालवी जी। रामलाल मालवी जी? कौन मालवी जी? रामलाल मालवी जी आए थे। करूँगा व्यवस्था में के। साजापुर जिला के मोहन बड़ोदा से भी अपना कहने का अलग तरह एक समाचार आयो। यहाँ एक भाई के थोड़ा दिन पहला व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल आयो, भाई ने फोन उठायो, वहीं से कार्ड लगा वाला नहीं के एंडा बेंडा वीडियो उन दिखाई दिया। वीडियो दिखाता दिखाता इको खुद को भी वीडियो बढ़ाई लियो। अबे विका गाने फोन पे फोन आई रहा, पैसा ला नहीं तो बदनामी करा। बापड़ो मोहन बड़ोदा को प्रतिष्ठित आदमी, पैसा दे तो फंसे नहीं दे तो फंसे। बापड़ा ने पुलिस की मदद ली, ऐसो कणिका भी साथ हुई सके। मोहन बड़ोदे वाला टीआई साहब भरत सिंह जी किरार बताई रहा कि ऐसा मामला आए तो कड़ी तरीका से बची हो जाए। रिपोर्ट करता है, इनकी रिकॉर्डिंग कर लेता है और असली मैसेज करता है, उस रिकॉर्डिंग को वो वापस उस व्यक्ति को भेजता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि इस तरह की अगर डिमांड उनकी पूरी नहीं की गई, उनको पैसे नहीं डाले गए तो इस व्हाट्सएप को वायरल कर देंगे जो रिकॉर्डिंग हुई है। तो इस प्रकार की जांच के लिए बिल्कुल ना आए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जैसे व्हाट्सएप यूज हुआ, फेसबुक हुआ, किसी भी अननोन व्यक्ति का वीडियो कॉल ना उठाएं। आज से अगर गलती से उठ भी जाता है, जैसे ही वह अपनी अश्लीलता वाले फोटो या किसी तरह करता है, तुरंत उसको ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद उसको रिपोर्ट करें, एब्यूज रिपोर्ट कर दें उसको, और रिपोर्ट करने के बाद अपना अकाउंट डिलीट करें। डिलीट करने के बाद व्हाट्सएप पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड आता है, उसका हमेशा उपयोग करें जिससे कोई आपका व्हाट्सएप हैक नहीं करेगा और किसी भी प्रकार से उनके जांचे में ना आए। क्योंकि विधानसभा वाला चुनाव नजीक आ गया, पार्टी भाजपा हो गए कांग्रेस दो ही में कार्यकर्ता उनकी पूछ परख बढ़ी गई है। गट्टिया वाला बेल्ट में तो हाल से चुनाव वाला माहौल ऐसा चढ़ियो जना अगला हफ्ता वोटिंग हो वाली हो। मंगलवार दोपहर में गट्टिया बेल्ट का सगला भाजपा कार्यकर्ता उन वास्ते एक बैठक रखी गई। लगे हाथ इनने या मेडिकल कॉलेज कने का गिरिराज गार्डन का मेरे चुनाव वाला ऑफिस का भी गणपति मनाई लिया। गुजरात का भाजपा वाला पूर्व प्रदेश का अध्यक्ष जीतू भाई वाघाणी इन आयोजन में शामिल हुआ था। राव वाला पूर्व विधायक जीतू जीराती आयोजन में शामिल होने आया था। ये हाल आखा मालवा में सक्रिय हुई गया। मैं मंसूर आड़ी से एक कांग्रेस वाला जीतू पटवारी भी जन आक्रोश जत्रा लेके आई रहा। मैंने आखा मालवा में आवा वाला टेम पे तू जीतू के हूँ जीतू वाला रट्टो भी जम के देखवा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में आज आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और
आगामी समय में पूरे घटिया विधानसभा में तीनों चारों मंडलों में हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम कार्य विधानसभा के कार्यक्रमों को आगामी रूप से सुचारित करने के लिए प्रत्येक मंडल में इस प्रकार का एक कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। जन समूह निकलता है, जनसैलाब निकलता है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। घटिया विधानसभा में आज जो देखने को मिला वो हदप्रप कर देने वाला था। हजारों की संख्या में 10 बजे से लेकर के अभी लगभग 3-3.5 बजे हैं कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साह उमंग के साथ में हजारों की संख्या में, ये इस बात का घटक है, इस बात का प्रतीक है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ये उज्जैन से पार्टी सारी सीटें हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के स्तर में निकले। मंगलनाथ रोड आड़ी का नागचंद्रेश्वर मंदिर पे मंगलवार दोपहर सिंगत हरी को नजर हो रही हो। यहाँ शहर का सगड़ा साधु संतुन भेला हुआ था। मौका थो सनातन समरसता समागम को निरंजनी अखाड़ा वाली मंडलेश्वर माताजी मंदाकिनी पुरी जी का जोड़िया इना कार्यक्रम का दौरान साधु संतुन ने हुंकार भरी कि जो सनातन को साथ देगा संत भी का साथ रहेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद वाला अध्यक्ष महेंद्र रविंद पुरी जी, महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी जी महाराज, भगवान बापू जी, संत सुरेश्वरानंद जी, नीलेशानंद जी, केसर सिंह जी पटेल साहब, इनका अलावा शेर का सगड़ा संत महंतुंड इन आयोजन में शामिल हुआ था। जो सनातन पे काज करेगा भारत में वही राज करेगा। इस समय हमारे पूरे भारत में आप देख रहे हैं सनातन विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है, सनातन का विरोध हो रहा है। जो भी कोई व्यक्ति जिसे कोई काम नहीं है, जो एक मामूली सा छोटा सा व्यक्ति जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकता है वो तो सनातन को गाली देता है और रातों रात वो जो है उसका नाम रोशन हो जाता है, वो पॉपुलर हो जाता है। सस्ते में पॉपुलरिटी पाने के लिए सनातन धर्म का यूज किया जाता है। जो सनातन का कार्य करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संतों का सम्मान नहीं करेंगे, संत की इज्जत नहीं करेंगे, संत के विषय में सोचेंगे नहीं, वो कभी भी सत्ता में नहीं रह सकते। सत्ता में रहने वाले को संतों के आगे प्रणाम करना पड़ेगा, संतों की राय लेनी पड़ेगी। पहले भी राजा महाराजा थे जो बिना संत के एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे, और आज के राजा महाराजा को भी संतों के ही अनुसार चलना पड़ेगा, तभी हम देश में हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। ये हमारा सभी राजनीतिक दलों और पार्टियों से निवेदन है, आग्रह है कि आप अपना कार्य करते रहें और आपको जो अपनी आपकी चुनाव की जो तैयारी करना है वो तैयारी करते रहें, और किसी भी प्रकार से कोई जातिवाद या कोई ब्राह्मणवाद या कोई साधु संतों को टारगेट करके उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, पहले भी ब्राह्मणों पे एक संत द्वारा टिप्पणी की गई थी तो उसके भी का भी हमने विरोध किया था, तो बार बार हम निवेदन आग्रह कर रहे हैं। वो देखिए, भूखा तो कोई रहता नहीं है, महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी में जीव जंतु से लेकर कि मानव तक कोई भूखा नहीं रह सकता, ये बाबा की कृपा है।